नोवेल कोरोना वायरस को हराने के लिए हम सबको मिलकर लड़ना होगा। आप सब अपने अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए और देखते रहिए हमारे अनोखे सफर के कुछ यादगार लम्हे। तेरी माँ चंडिका एक बहुत शक्तिशाली नागिन छिल। ओ इंसानी रूप निये छिल नागमणि की रक्षा करने के लिए। तुई तखन 10 दिन की छोटी सी बच्ची छिले जब तेरी बाबा की मौत हुई थी। क्या बात है, चंडिका एखाने केन डाकल? दीदी चंडिका कहाँ थी तुम? तुम्हारी ये हालत कैसे? मेरी बेटी शिवाली एकदम तुम्हारी जैसी मुखखाना, पर क्या ये भी? हाँ, ये भी मेरी ही तरह एक इच्छाधारी नागिन है, पर इसके पास अभी कोई शक्तियां नहीं है। नागियोनी की सारी शक्तियां इसको अपने 20 साल के जन्मदिन में ही मिलेगी और तब तक इसे आपको ही संभाल के रखना होगा। मतलब? दीदी मैं आपको भी कुछ नहीं समझा सकती, वो अभी आता ही होगा। कौन? जिसने इसके पिता की हत्या की है। मेरी सारी शक्तियां धीरे धीरे खत्म हो रही है, अभी ना मैं उससे अपनी बेटी को बचा पाऊंगी और ना ही खुद को। इसे आपको ही बचाना होगा। चंदा चमके चुपके से आए, माँ की आंखों से आंसू चुराए, हर दर्द में हर दर्द भुलाए, प्यारी सी आंखों में निन्निया को लाए। आज से इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि मुझे पता है इस पूरे मनुष्य लोक में एक सिर्फ आप ही हो जो इसे अपने माँ से भी ज्यादा प्यार दे सकती है। माँ की ममता ना सही, पर मासी के आंचल के साए में बड़ी होगी मेरी बेटी। दीदी आप इसको लेके भाग जाओ, वो अभी आता ही होगा। और चंडिका तुम? दीदी आप मेरी चिंता मत करो, मेरे साथ वही होगा जो मेरे भाग्य में लिखा है, पर मेरी बेटी का भाग्य वो अभी आपको ही लिखा है। जाइए दीदी, चले जाइए। वो आया तेरी माँ की जान लेने के लिए। अपनी मौत से भी भला कोई बच पाया है क्या? मौत से मुझे डर नहीं लगता है, डर ना तो तुझे चाहिए भोलेनाथ से।
वो तुझे अपनी कर्मों की सजा जरूर देगी। वैसे कहाँ है तेरा भोलेनाथ? तेरे को बचाने क्यों नहीं आया? अगर भोलेनाथ ने मेरे किस्मत में मौत लिखा है तो वो मौत मुझे मंजूर है, पर तेरे जैसे पापी के आगे झुकना बिल्कुल नहीं। तेरे इन अदाओं का ही तो दीवाना हूँ मैं। अगर तू अपनी बेटी को मेरे हवाले कर देती तो शायद तेरी जान भी बख्श देता मैं। तेरी बेटी से मुझे नागमनी मिल जाती और वो भी मिल जाता जो तुझसे आज तक नहीं। तेरी इस गंदी जुबान पे मेरी बेटी का नाम भी मत लाना। देखना, एक दिन वो तुझसे तेरे सारे पापों का फल गिनवाएगी और मेरा बदला भी लेगी। ए, तेरी इतनी हिम्मत जो कालक्ष में वार करे? तेरी बेटी को तो मैं ढूंढ ही लूंगा, वरना मेरा जादू ही आईना किस काम का। फिलहाल तो मुझे तुझे तड़पता हुआ देखना है। हर पाप का हिसाब देना पड़ेगा तुझे। मेरी बेटी अपनी माँ बाबा की मौत का बदला जरूर लेगी। और तू भी तड़पेगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। कौन था? जानी ना, पर उसने काला कपड़ा पहना था। अमी और दुटो जिनिस देखे छिलाम। क्या? और हरे रंग के आंखें और शेर वाली अंगूठी। वो जो भी था अब मरने के लिए तैयार हो जाए। अगर वो काली शक्तियों का राजा है तो मेरे पास भी है मेरे भोलेनाथ के आशीर्वाद। उसने अपनी काली शक्तियों को जगाने के लिए एक नागिन को मारा था ना। अब उसकी बेटी ये वचन लेती है कि उसको भी वैसे तड़पा तड़पा के मारूंगी जैसे उसने मेरे माँ बाबा को मारा था। तो अपने दिखा दिया, अब रास्ता भी आप ही दिखाइए। सालों पहले वो अन्याय भी आप ही के सामने हुआ था ना, तो अब इंतकाम की ये दास्ता भी आप ही को लिखना पड़ेगा। शिवाली, कौन? इधर देखो, नीचे। मैं हूँ दंशिका। तुम बोल सकती हो? हाँ, पर इससे पहले मैं तुम्हें कभी सुन क्यों नहीं पाई? क्योंकि तब तुम एक इंसान थी, पर अब तुम मुझे सुन सकती हो। मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना था। उस दिन तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दिया। अभी इन सब चीजों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तुम्हें अपना मकसद, अपना इंतकाम पूरा करना है। मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बातें बतानी है। अच्छा, इसीलिए तुम बार बार मेरे सामने आती थी? हाँ, अब सुनो। तुम कोई मामूली नागिन नहीं हो। तुम पे गंधर्व नक्षत्र का साया है। तुम्हारे गंधर्व नागवंश का कर्तव्य है
नागमणि की रक्षा करना। और तुम में भी वो शक्तियाँ है जिसके बल पर तुम जब चाहे नागमणि को प्रकट कर सकती हो। और उससे क्या होता है? नागमणि में शिव जी की शक्तियों का वरदान होता है। इन शक्तियों से तुम किसी भी नामुमकिन को मुमकिन बना सकती हो। मतलब यही कि नागमणि की मदद से तुम अपने शत्रुओं को ढूंढ सकोगी। आज दिन के दूसरे पहर तक गंधर्व नक्षत्र का पर्व रहेगा और इसी बीच तुम चाहो तो शिव जी से प्रार्थना करके नागमणि को प्रकट करवा सकती हो। तुमने जो आज मेरी मदद की है ना, वो कोई और नहीं कर सकता था। पर इन सब चीजों से पहले मुझे एक बार मासी से मिलना होगा। अच्छा ठीक है, पर याद रखना दिन का दूसरा पहर। वारे किस्मत, क्या खेल रचाता है ऋतु। इसी का तो इंतजार था। क्या यार? ए मैडम, ऐसे जा रही हो जैसे देखा ही नहीं। ओह तुम। बाय द वे, किधर जा रही हो? कोई काम है? क्यों यार, दैट वाज रूड। मतलब परेशान हो, कोई बात है? देखो सौविक, अभी मैं इन सब सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। बट देखो, हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं, इसीलिए हमारा दूर रहना ही सही है। बट ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। बाय द वे, छोटे से तो मिलती जाओ। और देखो, हमारा एक नया दोस्त भी आया है, चलो। लक्ष्य, मीट माय फ्रेंड शिवाली। हाय, आई एम लक्ष्य। और कैसी हो आप? ठीक हूँ, पर अभी मुझे जाना होगा। आज भी? आपका तो हर दिन सेम है यार। आज का दिन बहुत अलग है। हाँ, आज का दिन तो अलग होगा ही। गंधर्व नक्षत्र का पहर जो आया है, अब ये पहर गुजरने से पहले ही मुझे तेरी मदद से नागमणि हासिल करना ही होगा। अरे अरे, अचानक ऐसे कैसे हो गया यार? इसे तो ट्रीटमेंट की जरूरत है। सुनो, पास में मेरा घर है, हम लोग वहाँ पे चलते हैं। थोड़ा बर्फ वगैरह लगा लेंगे। रिलैक्स गाइस, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। नो इट्स नॉट। चुपचाप चलो हमारे साथ। मासी, अरे क्या हुआ? काड़ा? मासी, मैं सब आपको बाद में बताती हूँ, इसको बहुत ज्यादा चोट लगी है, अब जल्दी से जाके बर्फ लेके आओ। हाँ, आंची। चलो। तुम्हें बहुत ज्यादा पेन हो रहा होगा ना? पहले फर्स्ट एड कर लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब को बुलाएं। रिलैक्स गाइस, आई एम ऑल राइट। ये आवाज कहीं पे तो सुने छी, मगर कहा? लक्ष्य, तुम थोड़ा आराम कर लो। अच्छा अच्छा, ओके, अंदर नहीं आए। चलो चलो चलो। बाबा, अभी तबीयत कैसी है? उफ,
अब बस क्या बताऊं? आप टेंशन मत लीजिए, छोटा सा ही तो चोट है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चिंता तो मुझे अपनी मौत की भी नहीं, और आप ही बताओ, अपनी ही मौत से भला कोई बच पाया है? अपनी मौत से भला कोई बच पाया है? शिवली, क्या हुआ मासी? आप इतने टेंशन में क्यों हो? अमर तो के कुछ पता ना है। अरे आप बैठो तो पहले। ना ना, अमी बोसबो ना, तू सुन। ओई लक्स, ओई तो शे दुश्मन। उसके आँखे, अंगूठी, उसके आवाज, अमी कखनो भूलबो ना, अमी कभी भी भूलबो ना। ওই খানে জরুর কোনো মকসদে এসেছে। बिल्कुल सही। कभी कभी सच जानकर भी छुपा के रखना ही बेहतर होता है। इस उम्र में इतनी भागा दौड़ी सही नहीं है। जाने दो मुझे, जाने दो। चलो एक खेल खेलते हैं। कड़ पकड़ बम्बे। मासी, अब बस एक ही चीज है जो मासी की जान बचा सकती है, नागमणि। नागमणि में शिव जी की शक्तियों का वरदान होता है। अब शायद कोई चमत्कार इन्हें ठीक कर सकती है। और तुम में भी वो शक्तियाँ हैं जिसके बल पर तुम जब चाहे नागमणि को प्रकट कर सकती हो। हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर देना, पर मासी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। महेश्वर, हे देवों के देव महादेव, ये कैसा खेल रचाया है आपने? मेरी मासी, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, आज उन्हीं के साथ आप इतना बुरा कैसे कर सकते हो? हर होनी अनहोनी आप ही रचाते हो ना, अब इसका प्रतिकार भी आप ही को करना पड़ेगा। आज इस गंधर्व नक्षत्र के पहर में नागमणि को प्रकट करना ही पड़ेगा। ज्वाला से लिपटी वो जलती मशाल है, सदियों पुरानी है उसकी मिसाल है। नागिन, नागिन।
शंभू, आपको कोटि कोटि प्रणाम। ये नागमणि आपकी अमानत है और मैं वचन देती हूँ, अपना मकसद पूरा होते ही मैं इसको वापस आपके चरणों में अर्पित करके जाऊंगी। जय भोलेनाथ। तुम नागिन हो। ये मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा राज है जो कि आज तुम्हें पता चल गया। पर ये सब और कोई नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहिए। प्लीज डोंट वरी, तुम्हारा राज मेरा राज। वैसे ये नागमणि है ना? तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में? सच बताऊं तो मुझे ऐसे हिस्टोरिकल चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और वैसे ये नागमणि के बारे में मुझे अरसों पुरानी किताबों से पता चला। जो भी हो, मुझे अब जल्दी से घर जाना होगा क्योंकि मासी को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है। शिवाली, क्या हुआ? मुझे नागमणि के बारे में एक और चीज पता है। नागमणि जैसे जान बचा सकती है, वैसे ही कमजोर की जान ले भी सकती है। मतलब यही कि नागमणि को तुमने अभी अभी जागृत किया है, और हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि इससे कितनी ताकतवर ऊर्जा निकल सकती है। पर मासी की इस नाजुक हालत में एक छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है। नहीं, मासी को मैं कुछ भी नहीं होने दे सकती, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि? एक रास्ता है। क्या? बोलो लक्ष्य। हम इसे मेरे गांव में इस्तेमाल करके देख लेते हैं। ये नहीं हो सकता, मैं अपने मतलब के लिए तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। काल पे भरोसा रख, मतलब महाकाल पे भरोसा रखो। मैं तो इतना दर्द सह सकता हूँ मासी के लिए। हे भोलेनाथ, रक्षा करना। अगर मंजिल खुद चल के आए तो क्या तुम भी ऐसे ही नहीं देखोगे? मतलब अंधकार के राजा कालक्ष को सलाम नहीं करोगे? अब वो भोलेनाथ भी कुछ नहीं कर सकता। अब इस नागिन के इंतकाम की आग में तेरी रूह भी जल जाएगी। कहाँ हो? सामने तो आओ। अगर आज तुम ना होती तो मैं इस मनी तक कैसे पहुंचता? बड़े दिनों बाद वापस आई, कहीं ये जालिम दुनिया मुझे भूल तो नहीं गई?